हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग कि आप कहाँ कहाँ पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं, किस किस इंस्टीट्यूशन में अभी भी सीट खाली है। ठीक है, तो मैं शो कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिस्ट कलेक्ट किया हूँ तो उस लिस्ट को शो करता हूँ। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ अभी लास्ट डेट आ गया है, यानी 28th लास्ट डेट है। मे भी डेट एक्सटेंड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो लोग भी इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लास्ट डेट इसका 28th है। मोर डिटेल्स के लिए आप इसके वेबसाइट यहाँ पे जो मेंशन है आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है teju-admission.in। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप ये है एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी। ओके, तो आप इस पे क्लिक करके सिंपली ये लिंक देख रहे होंगे, इस लिंक पे क्लिक करके आप वो नोटिस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी की, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी लास्ट डेट 28th है, तो आप लेट ना करें। अगर सीट देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना सीट खाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं स्पेशली मैथ के लिए शो कर रहा हूँ, बाकी आप जिस सब्जेक्ट के भी उस सब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो मैथ सब्जेक्ट में 1 जनरल में और 1 SC कैटेगरी में सीट खाली है। ठीक है, इसी तरह बाकी जिस सब्जेक्ट के भी हैं उस सब्जेक्ट में देख सकते हैं। जैसे लॉ में देखिए इतना खाली है, फिजिक्स में 1 खाली है, जनरल में 1 SC में। ओके, सिक्किम यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आप देखना चाहें तो ये रहा नोटिफिकेशन जो उन्होंने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट 31st है। ठीक है, आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जो इंटरेस्टेड हो फिल कर सकते हैं। इसके लिए है कि जो लोग नेट गेट JRF क्वालिफाइड है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीट देखना चाहें तो इन्होंने अपने ब्रोशर में क्लियरली मेंशन कर रखा है। मैं कुछ ही सब्जेक्ट का शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मैथ का शो कर रहा हूँ तो मैथ में 4 सीट्स खाली है। ठीक है, आप ज्यादा इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो इनके ब्रोशर में जाके देख सकते हैं। इन्होंने पीएचडी का ब्रोशर अलग से दिया हुआ है जो आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके वेबसाइट पे देखिएगा, ये इन्होंने हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस टॉपिक में आप पीएचडी कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट डेट 31st सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनका नोटिफिकेशन, सो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो इसमें अभी काफी डेट है, इसमें अभी टाइम है आपका 23 तक, मीन्स फरवरी में 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी टाइम है। इसके बीच सीट्स के रिगार्डिंग आप अदर इन्फॉर्मेशन देखना चाहें, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर की क्या क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है नोटिस रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी एनआईटीज में सीट खाली है तो आप देख सकते हैं। JRF पोजिशन भी इधर, तो ये JRF पोजिशन है, तो ये JRF पोजिशन के लिए भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी में JRF के थ्रू भी आप पीएचडी में जा सकते हैं। और ये आपका एनआईटी का था, तो एनआईटी का शायद लास्ट डेट खत्म हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं TFR की, तो TFR में भी पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट 31st है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। ठीक है, यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप इसके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक पे रिसर्च होता है। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं एक बार उसके पीएचडी एरिया देख लें कि किस एरिया में होता है और क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, किसमें नेट गेट रिक्वायर्ड है, किसमें नेट गेट रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं TFR की बात करूं तो TFR के लिए आपको कोई भी नेट गेट की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिना नेट गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है जिनका नेट नहीं निकल रहा है। उसी तरह आप बाकी यूनिवर्सिटीज का भी देख सकते हैं कि तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे ये लोग बोले हैं कि इसके लिए तो नेट गेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड दिस। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास नेट गेट होगा तभी आप कर सकते हैं, तो जिनके पास नेट गेट नहीं है वो तेजपुर में नहीं कर सकते। तो इस तरह आप सभी के एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे। ओके, थैंक यू।